नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में एक और किताब की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जहां हमारी किताब का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन। और जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो सब्जेक्ट कोड है BPSC 112। इस किताब में टोटल 13 चैप्टर होंगे और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा ब्राह्मणिक। इससे पहले चैप्टर की शुरुआत करूँ, इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये हम क्यों पढ़ें। देखिए, ये सब्जेक्ट केवल वही बच्चा पढ़ सकता है जो वास्तव में पॉलिटिकल से क्या करता है, प्यार करता है। वह बच्चा जो वास्तव में पॉलिटिक्स को समझना चाहता है, वह बच्चा जो वास्तव में समाज की गहराइयों को अध्ययन करना चाहता है। ये किताब उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं। वो तो डिग्री धारक बनना चाहते हैं, तो वो डिग्री धारक शायद बन भी जाएं, लेकिन वास्तव में उनकी डिग्री का कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस बुक को आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो इसमें शब्दों के इतने सारे खजाने हैं, इतने सारे शब्दों को आपको तराशना पड़ेगा उस खजाने को पाने के लिए कि हाँ भाई, आपको लगेगा कि वास्तव में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, चिंतन की शुरुआत क्यों होती है, चिंतन की शुरुआत क्यों की गई, क्यों पढ़ा जाता है चिंतन को। तो देखिए, मनुष्य प्राचीन काल से ही ना अपना विकास चाहता है, लेकिन उसके विकास की राह में बहुत सारी समस्याएं हैं कि वो अपना विकास कैसे करे। तो सबसे पहले विकास की राह में समस्या यही है कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी हो। शासन व्यवस्था जैसी भी हो तो शासक के क्या गुण हों, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें कौन कौन से अधिकार चाहिए। ऐसे में लगातार बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ इसी सत्य की खोज में। तो चिंतन का अर्थ ही है सत्य की खोज, ज्ञान की खोज। ये नहीं कि एक अज्ञानी समाज की तरह हम उसमें भीड़ लगाते रहें। समाज को क्या समस्याएं हैं, समाज को किस चीज़ की नीड है, इसके लिए लोग उस सत्य की ओर जा रहे हैं, सामाजिक समस्याओं की तह तक जा रहे हैं। और उसके बाद जो अपने विचार दे रहे हैं उन्हीं विचारों को हम चिंतन में पढ़ रहे हैं। हालांकि चिंतन की कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, बड़े बड़े लोग इसे अलग अलग तरीके से बताते हैं, कुछ लोग चिंतन और दर्शन में भी अंतर समझते हैं। फिलहाल हम इग्नू स्टूडेंट्स होने के नाते इतना जानना चाहते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हमें किन किन विचारकों के विचारों को बता रही है, और उन विचारकों ने जो विचार दिए हैं वो किन परिस्थितियों में रहकर दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राचीन परंपराओं को ही लाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि प्राचीन समाज कैसा था। हम किसी भी आइडियोलॉजी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो आइडियोलॉजी किन परिस्थितियों में चलेगी। तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस किताब को हम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस किताब का जो समर्थन है ये हमें इस सीरीज को अंत तक ले जाएगा। अगर आपका समर्थन पूरा नहीं मिलता है तो फिर हमें भी ऐसा लगता है कि यार, बच्चों को वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप लगातार लाइक करके, कमेंट करके अपना समर्थन हमें दीजिए, ताकि हम लगातार इसे जल्द से जल्द सीरीज को पूरा करवाएं, ना सिर्फ इसको बल्कि और सब्जेक्ट कोर्स को भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। आशा है आपको ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और मैंने पहले कह दिया ये सीरीज सिर्फ उन्हीं बच्चों को पसंद आएगी जो बच्चे वास्तव में जो पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ाई के प्रति सजग हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पेपर से एक दिन पहले सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो सर्च करें। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्राह्मणिक क्या है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें इतने सारे शब्द हैं जिन शब्दों को डिफाइन करना चैप्टर के साथ संभव नहीं होएगा, तो इसलिए उनके लिए हम साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जो मेन मेन वर्ड हैं, जैसे कि ब्राह्मणिक परंपरा क्या है, श्रमणिक परंपरा क्या है, वेद क्या है, वेदांत क्या है, जो इस टाइप के वर्ड्स आएंगे बीच बीच में, ऐसे वर्डों के लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो आप उसमें वो वर्ड जाकर समझ सकते हैं कि इस वर्ड का क्या अर्थ होता है। तो चलिए आप चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है ब्राह्मणिक, और चैप्टर में सबसे पहले एक बहुत अच्छी प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना हमें वो यही बताती है कि ब्राह्मणिक परंपरा है क्या। तो ब्राह्मणिक परंपरा एक ऐसी विचारधारा है जो हमें जीवन जीने के तरीके का अध्ययन करवाती है। देखिए, हर एक बंदा जीवन जीने के तरीके का ही हमें बताएगा, तो किसी परंपरा के हिसाब से जीवन जीने का तरीका कुछ और होगा, किसी परंपरा के हिसाब से जीवन जीने का तरीका कुछ और होगा। महाभारत शायद हमें कुछ और सिखाएगी, लेकिन जैन ग्रंथ अलग चीज़ें सिखाएंगे, बौद्ध ग्रंथ अलग चीज़ें सिखाएंगे, तमिल ग्रंथ अलग चीज़ें सिखाएंगे, चार्वाक अलग चीज़ें सिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग तरीके से पढ़नी है। तो हर एक बंदा कुछ ना कुछ हमें एक आइडियोलॉजी देता है। तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मणिक परंपरा है ये एक ऐसी विचारधारा है, ये जीवन जीने के एक ऐसे तरीकों को हमें दिखा रही है जो वेदों पर आधारित हैं। यानी कि हम वेदों के आधार पर जीवन जिए तो हम कौन सी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मणिक परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वेद चार हैं, यजुर्वेद,
ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो वेद कितने हैं? चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ब्राह्मणिक परंपरा सबसे पहले भाई बात क्या है? तो ब्राह्मणिक परंपरा एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी विचारधारा जो जीवन जीने के तरीके को बता रही है, जो वेदों से उत्पन्न है, जो वेदों पर आधारित है। और वेद कितने हैं? चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये पूरी की पूरी वैदिक साहित्य की एक श्रृंखला है, यानी कि वैदिक साहित्य की जो पूरी पूरी एक सीरीज है, उसी पर आधारित एक विचारधारा है। उसी विचारधारा को हम कौन सी विचारधारा कहते हैं भाई? ब्राह्मणिक परंपरा। इसमें सारे चार वेद होंगे, सारे के सारे कितने वेद होंगे? चार वेद होंगे, आरण्यक ग्रंथ होंगे। अब ये सब क्या होते हैं, इनके लिए आप, मैं वो वकैब वाली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ सद्दर्शन होगा, पुराण होंगे, उपनिषद होंगे और कई ब्राह्मणिक ग्रंथ होंगे। अच्छा, इनका नाम ब्राह्मणिक परंपरा ही क्यों पड़ा? तो आप इसे जातिवाद से ना जोड़ें। ये ब्राह्मणिक परंपरा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें से अधिकतर जो रचनाएं हैं, इनमें से अधिकतर जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई हैं, ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई हैं, इसलिए इनका नाम ब्राह्मणिक परंपरा लिख दिया। जैसे कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जो बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड होंगे उन्हें बौद्ध परंपराएं कहेंगे, जो जैन रिलेटेड होंगी वो जैन परंपराएं होंगी, जो इस्लामिक रिलेटेड होंगी वो इस्लामिक परंपराएं होंगी। तो यहाँ पर आप इसे जातिवाद से ना जोड़ें। तो ब्राह्मणिक परंपरा क्या है भाई? तो ब्राह्मणिक परंपरा एक ऐसी विचारधारा है जो जीवन जीने के तरीके को हमें बताती है, जो वेदों से उत्पन्न है, वैदिक जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उससे उत्पन्न है। और इनका नाम ब्राह्मण परंपरा इसलिए पड़ा क्योंकि ज़्यादातर जो अनुभव अपने लिखे थे वो किनने लिखे थे? ऋषि मुनियों ने और ब्राह्मणों ने। इसके साथ साथ ब्राह्मणिक परंपरा में हम धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र, महाकाव्य, वेदांग, इन सब का भी अध्ययन करते हैं, नीति शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो ये प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें क्या बताते हैं कि ब्राह्मणिक शब्द से हम क्या समझें, ब्राह्मणिक परंपरा से हम क्या समझें, इसके साथ साथ ब्राह्मणिक परंपरा में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब बात ये आती है, जब हम ब्राह्मणिक परंपरा का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने क्या समस्याएं आती हैं। तो जब हम ब्राह्मणिक परंपरा का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं, वो समस्या ये आती हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि इनका समय कितना पुराना है, इनका इतिहास कैसा है, क्या वास्तव में वो इतिहास सत्य है नहीं है। क्योंकि देखिए, दर्शन की दो परंपराएं हैं, एक पश्चिमी परंपरा, एक भारतीय दर्शन। तो जब हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हैं, जो कि अगले हमारे जो सब्जेक्ट कोड भी है इसमें हम पढ़ेंगे भी, तो जब हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक डेट है, एक टाइम पीरियड है जहाँ पर हर एक बंदे ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, थोड़ा समय का अभाव है इसमें, इसमें पता नहीं चलता कि ऐतिहासिकता कहाँ से शुरू है। तो अनुमानों के आधार पर कह देते हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो देखिए, ब्राह्मणिक परंपरा का दीर्घकालिक विकास है, सबसे पुरानी दुनिया में जो परंपरा है वो भारतीय परंपरा, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि हमें इसका समय का अनुमान नहीं है, कुछ लोग अपने अपने आधार पर इसका अनुमान बताते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है इसके बारे में अभी भी खोजें जारी हैं। तो ब्राह्मणीय परंपरा दीर्घकालीन विकास के दौरान जो ग्रंथ आए, इन ग्रंथों की ऐतिहासिकता तक हर एक बंदा एक ही जैसी सहमति दे, ये इसकी बड़ी समस्या है। वेस्टर्न फिलोसफी में हर चीज़ पर राय है, लॉजिक है, लेकिन जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा दर्शन है, जो हमारी चिंतन है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर एक बंदे की एक आम सहमति नहीं है। कोई बंदा उस शब्द का अर्थ कुछ और समझ रहा है, कोई बंदा उस शब्द का अर्थ कुछ और समझ रहा है। जैसे कि वेद, जिन्हें श्रुति भी कहा जाता है, लंबे समय तक लिखे ही नहीं गए थे। श्रुति का मतलब होता है जो चीज़ें हम सुन सुनकर दूसरी परंपराओं तक पहुँचा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो ज्ञान है वो सुनकर पहुँचाया जा रहा है। जैसे पहले गुरुकुल में बच्चे रहते थे और ऋषि उन्हें मुँह से क्या देता था? संदेश देता था। तो मुख से जो संदेश देता था वो बंदे उसे सुनकर अपना ज्ञान प्राप्त कर देते थे, क्योंकि लिखन पढ़न था नहीं। तो वेद, जिन्हें श्रुति भी कहा जाता था, क्योंकि लंबे समय तक ये लिखित रूप से उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार से महाभारत को ये माना जाता है, पहले भारत थी, फिर इसे जय भारत थी और अंत में महाभारत का रूप लिखा गया। इसी प्रकार से रामायण के भी कई कई निरूपण हैं जिनका पालन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। परंपरा एक ही है लेकिन फॉलो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। ऐसे में उनकी व्याख्याओं की पहचान कैसे की जाए, उनको कैसे लोगों को बताया जाए, ये एक बहुत मुश्किल कार्य हो चुका है। तो पहली समस्या क्या है ब्राह्मणिक परंपरा की, कि ये बहुत लंबे समय अवधि से हैं लेकिन इनमें आम सहमति नहीं बन पाई है क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता के बारे में ज्ञान नहीं है। दूसरी बात क्या है कि भारतीय ग्रंथ ये गोपनीय अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि इतिहासकार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों की जाँच करता है। यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ के तीन आयाम पढ़ते हैं कि राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। लेकिन जब हम भारतीय ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो ऐसे में इन ग्रंथों को कई बार ना कम महत्व का माना जाता है कि आज की दुनिया में इन ग्रंथों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। ये जो वेस्टर्न फिलोसफी हम पर चढ़ रही है, इसी वजह से इंडियन फिलोसफी को, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, इनको कम महत्व दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो विचार आज हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो हजारों साल पहले ही दे दिए थे हमारे चिंतकों ने। आगे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं,
इन ग्रंथों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया ये शब्द बड़े जटिल हैं, बड़े कठिन हैं, और ऐसे में इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो इससे मेल नहीं खाते। इंग्लिश की डिक्शनरी में इन शब्दों के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलता। तो राजनीतिक शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दावली में अपर्याप्तता है, यानी कि वो उतने शब्द नहीं है जितने शब्द होने चाहिए। इसी वजह से ब्राह्मण ग्रंथों को जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं रहता। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज़ हमें जब समझ में आएगी, जब हमें उसकी भाषा समझ में आए, जब हमें कोई चीज़ भाषा नहीं समझ में आएगी तो हम उसे पढ़ेंगे क्यों? तो ब्राह्मणी ग्रंथों की अगली समस्या क्या है? भाषाई समस्या है। पहली समस्या क्या है? ऐतिहासिकता संबंधी समस्या है जिसकी वजह से आम सहमति नहीं है। दूसरी समस्या क्या है? इसमें जो शब्दावली है वो इस प्रकार की यूज़ की गई जो बहुत जटिल है और जिसके हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए राजधर्म, राज्यासन, दंड नीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे जो संस्कृत शब्दों का प्रयोग है ये बहुत सारे विभिन्न मुद्दों के लिए किया जाता है, जैसे लोक संश्रय, योगक्षेम, सर्वोदय, स्वदेशी, जो सभी के कल्याण को दर्शाते हैं। तो ऐसे में जो शब्द यहाँ लिखे गए हैं उन शब्दों का वो अर्थ नहीं मिल पाता है इंग्लिश शब्दकोश में जो वास्तव में इस शब्द का अर्थ है, जिसकी वजह से ना ज्ञान अज्ञानता की ओर चला जाता है। जैसे वार्ता का मतलब तो बातचीत होती है, लेकिन जब अभी हम वार्ता को पढ़ेंगे चैप्टर में तो वो वार्ता नहीं है। तो शब्दों की जो समस्याएं हैं वो भारतीय राजनीतिक चिंतन को थोड़ा पीछे ले जाती हैं। इसी प्रकार से एक वृक्ष की शाखाओं के रूप में ज्ञान के विभिन्न विषयों के साथ व्यवहार करने और उसकी सामग्री होने के बावजूद जो हमारी राजनीति विज्ञान है, जो हमारी राजव्यवस्था है, उसमें एक बड़े ग्रंथों की कमी है। जैसे कि वेस्टर्न फिलोसफी में प्लेटो है, अरस्तु है, मैकेवली है, लॉक है, लेकिन जो हमारा चिंतक है वो ऐसा नहीं है। हमारा चिंतन अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जिस कारण ये परंपरा राजनीति विज्ञान के पश्चिमी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करने की ओर क्या रहती है? विफल रहती है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि ब्राह्मणिक परंपरा क्या होती है और ब्राह्मणिक परंपरा की समस्या क्या है। तो ब्राह्मणिक परंपरा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जिन ग्रंथों पर आधारित है उन ग्रंथों तक अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी बात ये रही है, इन ग्रंथों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि शब्दों का जो है वो इस प्रकार से प्रयोग किया गया है जिन शब्दों का अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है। उनके अर्थ कई कई हो सकते हैं, कि उनका अर्थ किस आधार पर लिया जाए ये समझ में नहीं आता, तो अर्थों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जाता है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से पश्चिमी फिलॉसफी में प्लेटो, अरस्तु, मैकेवली, लॉक आदि के जो विचार हैं इनके विस्तृत ग्रंथ हैं, उस प्रकार से हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में इतने सारे ग्रंथ नहीं हैं। जो ग्रंथ हैं भी वो इतनी ज़्यादा पुरानी उनकी पांडुलिपियाँ हैं कि जिनकी खोज अभी भी की जा रही है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे पार्ट टू में, जहां हम ये जानेंगे कि ज्ञान के स्रोत में वेद किस प्रकार से कार्य करते हैं और वेदों से हमें किन किन सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पता चलता है। तो आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि लगातार सीरीज़ पूरी करवाई जाए तो आप अपना समर्थन हमें ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के पार्ट टू में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।